के पास जो बीते 3 दिन का रास्ता बंद था अभी खोल दिया गया है। आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं अब इस रूट पर चलनी शुरू हो गई हैं। बिग ब्रेकिंग सबसे पहले जेके चैनल पर आप देख रहे हैं और देखिए कि किस तरह से इस रास्ते को खोल दिया गया है और गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ चलनी शुरू हो गई है। ये बिग ब्रेकिंग आप समरौली से देख पा रहे हैं और 3 दिन के बाद यहाँ पर रास्ता खुला है और बिग ब्रेकिंग ये आ रही है राष्ट्रीय राजमार्ग से। देखिए यहाँ पर द्वाल ब्रिज के पास जो पिछले 3 दिनों से रास्ता बंद था, रास्ते को अब खोल दिया गया है, गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल के लिए ही रास्ता खोला गया है। फिलहाल ये द्वाल ब्रिज से आप देखिए समरौली के पास यहाँ से लाइव विजुअल देख रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है, हालांकि रामबन और बनिहाल के बीच में अभी भी कार्य चल रहा है और जो भी गाड़ियां अब चिनाब वैली या बीच में जो गाड़ियां स्टैंडर्ड हैं उन गाड़ियों को यहां से निकालने का कार्य किया जा रहा है। लाइव विजुअल जेके चैनल पर सबसे पहले आप देख रहे हैं और गाड़ियां फिलहाल जो हैं अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। देखिए दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल को खोल दिया गया है, ये लाइव विजुअल आप देख रहे हैं, ये समरौली के द्वाल ब्रिज से देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं वही स्टैंड दिखाना चाहूंगा ऊपर, देखिए यहीं से ये जो पूरी लैंडस्लाइड आई थी ये पहाड़ी थी, लेकिन यहाँ पर जितनी भी एजेंसियां कार्य कर रही थी साथ में ट्रैफिक पुलिस की पूरी सराहना करनी पड़ेगी, दिन रात एक करके इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला। देखिए यहाँ पे देखेंगे पैसेंजर बहुत खुश हैं। देखिए 3 दिनों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है और लोगों में काफी ज्यादा इस समय जो खुशी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो भी स्ट्रक हो गए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाड़ियों की लाइनें दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और दोनों तरफ से फिलहाल जो लाइट मोटर व्हीकल है उन गाड़ियों को यहाँ पर छोड़ा गया है और खासकर जो यहाँ पर एम्बुलेंसेज फंसी थी सबसे पहले उन्हें निकाला गया। देखिए अब लाइव देखिए कि एम्बुलेंसेज दोनों तरफ से छोड़ दी गई हैं। सबसे पहले जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी थी फ्रंट में उन्हें रखा गया था और देखिए यहाँ पर फिलहाल जो आप लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, हर पल की आपको जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल यहां पर बिग ब्रेकिंग ये मिल रही है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए जो समरौली से 13 किलोमीटर दूर है वहां पर खोल दिया गया है। काफी ज्यादा राहत इस समय जो लोगों को मिल रही है, बिग ब्रेकिंग जो है इस समय आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और हमारा भी यही दायित्व है कि हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की पल पल की अपडेट करवाएं। और इस समय अपडेट यह है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है और जो भी दर्शक फिलहाल हमें देख रहे हैं हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि फिलहाल लाइट मोटर व्हीकल को छोड़ा गया है और जो गाड़ियां रास्ते में जो स्टैंडर्ड गाड़ियां उनको छोड़ने की अनुमति मिली है और जो चिनाब वैली की गाड़ियां हैं उन्हें ही फिलहाल छोड़ा जाएगा। मैं दूसरा छोर भी आपको देखिए यहाँ पर टूरिस्ट कितने खुश हैं, देखिए बहुत खुश है। 3 दिनों के बाद ये लोग जो हैं अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, गाड़ियों के पहिए यहाँ पर जाम हो चुके थे लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो खोल दिया गया है। देखिए गाड़ियां फर्राटे से अब अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, लोगों में काफी ज्यादा देखिए यहाँ पर लोग हाथ हिलाकर भी अब जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर परेशानियां भी हुई थी। देखिए यहाँ पर फिलहाल जो लाइट मोटर व्हीकल है उन गाड़ियों को ही छोड़ा गया है, यहाँ पर पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य किया गया है। लेकिन जितनी बड़ी ये लैंडस्लाइड थी यहाँ पर 2 से 3 दिन का पहले ही समय दिया गया था कि 2 या 3 दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग खुलेगा, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भी सराहना करनी होगी, हिम्मत सिंह जी की सराहना करनी होगी जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। हालांकि अगर जब भी रोड पे होते हैं तो वहां पर भी ये काफी अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि बहुत अच्छा कार्य किया है। पिछले 3 दिनों से दिन रात यहाँ पर ये मौजूद है। हिम्मत जी आपके लिए भी बहुत एक खुशखबरी की बात है कि रास्ता खुल गया है, अब क्या आपके लिए एडवाइजरी क्या रहेगी लोगों के लिए? देखिए जो फिलहाल जो स्टैंडर्ड व्हीकल हैं दोनों साइड से जो मतलब ऊपर नीचे से हमारे LMVs हैं इनको निकाल रहे हैं और उसके बाद जो भी डायरेक्शन हमें आएंगी हायर फार्मेसी से डोडा भदरवा को स्पॉट भी चलाएंगे हम, जो भी हमें डायरेक्शन आएंगी उस हिसाब से जो कश्मीर की तरफ गाड़ियां लेके लोग चलते हैं फिलहाल जो आगे निकलने की कोशिश करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा कि जो भी रोड यूजर है कृपया ओवरटेकिंग करने की कोशिश न करें जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और ट्रैफिक जो सफर करता है। सड़क पर हाईवे पर डिसिप्लिन से रहें क्योंकि जगह जगह पर रोड खराब है तो आगे जब ओवरटेक करेंगे आप तो फिर कोई भी ट्रैफिक नहीं चलेगा। कब तक संभावना है कि जो गाड़ियां जो है रास्ते में कितनी फंसी हुई हैं और कब तक जो हैवी गाड़ियों को छोड़ा जाएगा? देखिए ये सीनियर अफसरों से हम
डायरेक्शन लेंगे कि आगे क्या क्या डायरेक्शन है, कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से चलेगा। फिलहाल LMU जो स्टैंडर्ड उनको चला रहे हैं और स्क्वाड भी चलाएंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये DSP ट्रैफिक का हेमंत संजीत है और इनका कहना है कि फिलहाल जो गाड़ियां रास्ते में फंसी उन्हें छोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी उनके भी अधिकारी हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा मेहनत की है, दिन रात सबने मेहनत की है और जिस तरह से ये पूरा का पूरा ये पहाड़ जो नीचे गिर गया था आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा पहाड़ है लेकिन फिर भी अभी कार्य यहाँ पर किया जाना है। काफी ज्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड आई थी, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, लेकिन फिलहाल जो राहत की बात इस समय यह है कि देखिए यहाँ पर फिलहाल छोटी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, जो रास्ते में फंसी हुई गाड़ियाँ थी उन्हें ही छोड़ा जा रहा है और कुछ समय बाद जो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी आएगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि बड़ी गाड़ियों को कब छोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। काफी राहत की बात उन लोगों के लिए है जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हैं और काफी ज्यादा उन लोगों के लिए भी राहत है जो पिछले 3 दिनों से रास्ते में फंसे हुए थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से कार्य किया गया है, दिन रात कार्य किया गया है और 3 दिनों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है, ये वाकई में लोगों के लिए काफी ज्यादा इस समय राहत भरी खबर मिल रही है। अभी भी लाइव विजुअल आप जो देख रहे हैं ये सिमरौली से देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए यहां पर गाड़ियां जो है फर्राटे से अब चल रही हैं और अपनी मंजिलों की तरफ जा रही हैं। हमारे चैनल ने भी पहले दिन से ही खबर दिखाई थी और आज जब रास्ता खुला है सबसे पहले ब्रेक भी हमने की है। देखिए बड़े 5 दिन से हम राजस्थान जयपुर, मेरा नाम सौरभ सिंघल है, मैं राजस्थान जयपुर से रहने वाला हूँ। 7 दिन पहले 14 तारीख को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे, जो कि 17 तारीख को कश्मीर गए थे विद फैमिली, लेकिन विद इन 17 तारीख से और आज 24 तारीख हो गई। कितनी राहत है? 3-4 रात हमने रोड पे बताई है, 4 रात। देखिए जी यहाँ पर टूरिस्ट है, ये बाहर राज्य से आए थे और इनका कहना है कि काफी ज्यादा इन्हें परेशानी आई है लेकिन अब रास्ता खुला है तो इनके लिए भी राहत की बात है। और राहत के लिए सबके लिए है, जो लोग लोकल हैं चाहे वो बाहर के हैं, सब लोगों ने फिलहाल ये राहत की सांस ली है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है और गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ जा रही हैं। जो लोग भी हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइव देख रहे हैं, हम भी उनसे यही आग्रह करेंगे कि कृपा करके कश्मीर बाउंड की गाड़ियां अभी नहीं छोड़ी जाएंगी, जो गाड़ियां रास्ते में रुकी हुई उन्हें छोड़ा जाएगा और साथ में चन्हा वैली की जो गाड़ियां हैं उन्हें ही छोड़ने की अनुमति मिल रही है। और कृपा करके अपनी लाइन में अपनी ट्यूब में चलें ताकि जाम की स्थिति ना बन जाए, और जाम की स्थिति बनेगी तो फिर लोगों को परेशानी आएंगी। देखिए आप लाइन गाड़ियों की कतारों की लाइन देखिए, किस तरह से गाड़ियां जो हैं ये फिलहाल जो अपनी मंजिलों की तरह, मैं आपको चिनैनी से उधमपुर की तरफ का ये दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए गाड़ियां जो हैं वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही हैं। काफी ज्यादा राहत जो है इस समय उन लोगों के लिए है जो लोग सफर करना चाहते हैं, जो लोग अपनी मंजिलों की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा राहत वाली इस समय जो खबर आ रही है। ये जो गाड़ियां है भी देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां जो है देखिए काफी ज्यादा लोग खुश दिख रहे हैं, देखिए काफी ज्यादा। ये रास्ता खुला कितनी राहत है जी सर? कितनी राहत है, रास्ता खुला है 4 दिन के बाद सर? 4 दिन के बाद रास्ता खुला है। देखिए काफी ज्यादा लोगों ने अभी जो है फिलहाल राहत की सांस ली है, 4 दिन के बाद गाड़ियां छूटी हैं और ये अब गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ जा रही हैं। लोगों के चेहरों पर आप खुशी देख सकते हैं क्योंकि 4 दिन के बाद ये रास्ता खुला है और रास्ता खुलने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। ये लाइव विजुअल जो आप सिमरौली के ड्वाल ब्रिज से देख पा रहे हैं, देखिए लोग काफी ज्यादा खुश हैं और गाड़ियां जो हैं अपनी मंजिलों की तरफ जा रही हैं। आप क्या बोलेंगे? ये लाइव वीडियो आप सिमरौली के ड्वाल ब्रिज से देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर गाड़ियां जो हैं वो अपनी मंजिलों की तरफ जा रही हैं। हमारे चैनल ने एक एक पल की आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की खबर दिखाई है, जब ये लैंडस्लाइड आई थी तब से पहले हमने ही ये ब्रेक खबर की थी और आज जब ये रास्ता खुला है तब भी हम ही ब्रेक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये खबर पहुंचे जो लोग रास्ते में स्ट्रक हो गए हैं, रास्ता खुल गया है। हालांकि देखिए काफी ज्यादा लोग यहां पर खुश दिख रहे हैं जो अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, देखिए लोगों ने काफी ज्यादा राहत 3 दिन के बाद इस रास्ते पर, देखिए काफी टूरिस्ट खुश दिख रहे हैं। देखिए ये आप लाइव देखिए कि किस तरह से लोगों ने एक राहत की सांस ली है। फिलहाल जो लाइट मोटर व्हीकल के लिए है दोनों साइड से रास्ता खोला गया है और गाड़ियां जो हैं वो अपनी मंजिलों की तरफ जा रही हैं। काफी राहत भरा इस समय